हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और इस वीडियो में बात की जाएगी यूपीटीटी 2018 के लिए कि 50 दिन में 150 प्रश्न की तैयारी। जी हाँ, 50 दिन, 150 प्रश्न, 5 विषय और अगला लक्ष्य 95,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ, जो कि बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र सभी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा पूरी स्ट्रैटेजी की कि यार अगर आप घर बैठे तैयारी करते हैं तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीटेट यूपीटेट में कन्फ्यूज़ तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। आप सबको पता है कि बाल विकास, भाषा प्रथम, भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट, 30-30 प्रश्न और 30-30 अंक, है ना। अब आपको अगर तैयारी करनी है 120 प्लस की और कोचिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए, बाल विकास में बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन आते हैं यूपीटेट में। दोस्तों, इसके लिए लूसेंट की बाल मनोविज्ञान आती है, लेकिन वो किताब इतनी बड़ी है और सारी बहुत सारी घटना चक्र आती है, प्रतियोगिता, साहित्य, अरिहंत, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, लेकिन सारे डिटेल्ड हैं। आपने पिछले प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए होंगे, सब डिटेल्ड हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं बाल मनोविज्ञान में कैसे आप 25+ लाते हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूरत होगी बाल मनोविज्ञान में जीन पियाजे, कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत, प्रयोग, इनकी परिभाषाएं, ठीक है। इसके बाद बालक का विकास, बालक के विकास की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, ये सारे टॉपिक आपको रटने चाहिए। और दूसरी चीज़ बाल मनोविज्ञान में NCF 2005, ठीक है, और 2008 का जो राइट टू एजुकेशन बिल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के टॉपिक। तो हम एक ऐसा नोट्स बना रहे हैं बाल मनोविज्ञान का, जिसमें इन सारे लेखकों की, मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं, उनकी खोज, NCF 2005, राइट टू एजुकेशन बिल, ये सारी चीज़ें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आपको प्रोवाइड करवाई जाएं PDF फाइल में, जिससे आपको कोई पर्टिकुलर किताब ना खोलनी पड़े, ये देखना ना पड़े कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से उठा करके, मतलब सारी किताबों से उठा करके एक PDF, ठीक है। दूसरी चीज़ है भाषा, हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी भाषा में दोस्तों आप सबको पता है कि व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, इसमें पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम, 4 रचनाएं पूछेगा कम से कम साहित्य की, जैसे कामायनी किसकी रचना है, इसी तरह के साहित्यिक रचनाएं, अलंकार, रस, छंद, विलोम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, संधि, समास, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त टॉपिक में एक एक टॉपिक का एक एक नोट्स, जैसे समास, समास कितने प्रकार के होते हैं और मेन मेन समास कौन सा पूछा है, पर्यायवाची, पर्यायवाची मेन मेन 150-200 पर्यायवाची शब्द जिनके, जैसे सूर्य का पर्यायवाची, आकाश का, अग्नि का, गधे का, है ना, घोड़े का, तो इस तरह के, बादल का पर्यायवाची, मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेड पर्यायवाची हो सकते हैं, इनकी लिस्ट, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, ठीक है, इन सब की एक लिस्ट, एक नोट्स तैयार किया जाए आप सबकी 120 प्लस तैयारी के लिए। तो ये हिंदी भाषा हो गया। इसी तरह अंग्रेजी में आप देख लीजिए नाउन, प्रोनाउन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, इडियम्स, फ्रेज, फिगर ऑफ स्पीच, इन सब चीज़ों को आप अंग्रेजी में तैयार कर सकते हैं। संस्कृत में अगर देखा जाए तो कारक, विभक्ति, वचन, लकार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें संस्कृत में तैयार करने लायक हैं, जो कि भाषा सेकंड में है। तो इन सब का एक संक्षिप्त नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, PDF फाइल। गणित, गणित में क्या है, ज्यामितीय, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें, जितने भी गणित के टॉपिक आते हैं, मैंने गणित की क्लास भी चला रखी है, आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं मैथमेटिक्स का जो मैं बता रहा हूँ। लाभ हानि पढ़ा चुका हूँ, प्रतिशत पढ़ा चुका हूँ, समीकरण को सॉल्व करना पढ़ा चुका हूँ, ये 3 चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बीजीय, व्यंजक, कोण और ये सब चीज़ें मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। और पर्यावरण, पर्यावरण में क्या, हमारा परिवेश, प्राकृतिक पर्यावरण, प्रमुख मंडल, प्रमुख गैसें, पर्यावरण का आयोजन, पर्यावरण संबंधी नीतियां, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, इनकी संस्थापना, स्थापना वर्ष, ये सारी चीज़ें। तो ये है टोटल आपका यूपी टेट का सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर बन रहे हैं
नोट्स, ठीक है। हालांकि नोट्स बनना शुरू हो गए हैं दोस्तों, और एक मॉडल पेपर भी हमने 150 प्रश्न का लॉन्च किया है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, हमारा पहला प्रैक्टिस सेट 150 प्रश्न का, और ऐसे 15 प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 150 प्रश्न के। पहला प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड कर लीजिए, और आप ये जितने टॉपिक मैंने बताए इन टॉपिक्स के अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94-52-26-74-92, ठीक है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए, इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को देखिए, समझिए आपको कहाँ कठिनाई हो रही है। इसके बाद इस फ़ोन नंबर को सेव कर लीजिए, 94-52-26-74-92, क्योंकि अगर आपको अगली शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो यहाँ पर सीटेट का टॉपिक, यूपी टेट का टॉपिक, और जो अगली शिक्षक भर्ती है 95,000, उसके सारे 12 विषय के नोट्स, ठीक है, ये आपको इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिलेंगे पीडीएफ फाइल में। टॉपिक देखिए, नोट्स शॉर्ट रहेंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है। कम समय में क्या करें, ज़्यादा पढ़ सकें। मोबाइल नंबर है 94-52-26-74-92, ये एग्ज़ाम मास्टर का ऑफिशियल नंबर है, इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है अपना नाम, जिला का नाम, और जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट प्राइमरी या जूनियर, यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर, और शिक्षक भर्ती, तीनों में से अगर आप तीनों की तैयारी कर सकते हैं तो तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इन टॉपिक्स को कवर करें, क्योंकि समय कम है, गाइड पढ़ेंगे, ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ इन किताबों से प्रश्न फंसता है, लेकिन अब किताब है आपकी 150 पेज की, 150 पेज को पढ़ने लगेंगे तो 10 दिन लग जाएगा एक किताब पढ़ने में, ठीक है। आप उपसर्ग प्रत्यय संधि समास ही पढ़ते रह जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप मेन मेन फैक्टर्स नोट्स अगर एक बार देख लेंगे, और हमारे 15 प्रैक्टिस सेट जो 150 प्रश्न के बनाए जाएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं कि जितनी आप सेल्फ कर रहे हो उसमें 50% तो यार हम बढ़ोतरी कर ही देंगे। तो हमारा यही प्रयास है दोस्तों कि आपकी जो तैयारी है वो 120 प्लस की हो, ज़्यादा फेंकना नहीं चाहिए 130 प्लस 140 प्लस, क्योंकि इतना आता नहीं है। बहुत रेयर केस में आप देखेंगे 130 प्लस किसी का नंबर आए, 10 20 50 100 ऐसे कैंडिडेट हो। 120 प्लस का सपना आप देख सकते हैं, इसे साकार कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े ही आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, शाम को 8 बजे और 10 बजे दो लाइव क्लासेस एग्जाम मास्टर चैनल पर बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि नए पैटर्न पर आधारित परीक्षाओं के जो प्रश्न आते हैं हम लाइव क्लास में वही सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, डिसाइड कीजिए और आ जाइए। व्हाट्सएप नंबर यही है 94-52-26-74-92। इंतज़ार कर रहा हूँ आप सबका व्हाट्सएप पर, रिप्लाई करें और नोट्स प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। वीडियोस कंटिन्यू लगातार आएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। अच्छा, जितने टॉपिक बताए हैं इन सब टॉपिक को ध्यान में रखना, ठीक है। थैंक यू।